हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर और अभी 3 बजे हैं। हम आ रहे हैं माता भरमानी के टेंपल के यहाँ से। सबसे पहले हम होटल में नहीं गए थे, हमने मंदिर में दर्शन किए। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। मेरे चैनल पे जाके आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद ये मैं डाल रही हूँ, हिमाचल टूरिज्म का होटल गौरीकुंड है, इसका रिव्यू वाली वीडियो डाल रही हूँ। ये सामने की तरफ है हिमाचल टूरिज्म का होटल गौरीकुंड। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। एक्चुअली अभी ऑफबीट सीजन चल रहा है और आज है 28 मार्च। हम आए हैं, हम नहीं चाह रहे थे कि ज़्यादा क्राउड में आए, इसलिए हम अभी आए हैं। बट होटल वालों ने हमें बताया कि अभी होटल एक्चुअली खाली चल रहे हैं, इसलिए 31 मार्च से पहले यहाँ पे 40% डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। और एक्चुअली ये भी हमें बताया कि ये यहाँ पे आने का रास्ता थोड़ा मुश्किल है, इसलिए बहुत कम लोग ही यहाँ पे विद फैमिली के साथ आते हैं। ये है सामने का कैफेटेरिया, आप यहाँ पे भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर का मज़ा उठा सकते हैं और आप रूम में भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से खाते खाते आप सुंदर से नज़ारे देख सकते हैं। और ये सामने की तरफ, अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। और एक्चुअली ये जो मैंने दिखाया था हिमाचल टूरिज्म का, इस पर इनके फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, होटल रूम और प्राइस लिखा हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। एक्चुअली ये रूम लिया था हमने DBR डिलक्स, ये था 2500 का है पर डे। तो एक्चुअली हमने इनसे पूछा एक और रूम के लिए, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली अभी रूम खाली है, आप एक्स्ट्रा रूम दूसरा भी ले सकते हैं, बट बच्चों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमें आपके रूम में ही रहना है। तो हमने एक्स्ट्रा बेड के लिए भी बात की है, तो एक्स्ट्रा बेड इन्होंने कहा है कि लगा देंगे। एक्स्ट्रा बेड का चार्ज है 300 रुपीज़ पर बेड है। तो उन्होंने कहा आप चाहते हैं तो हम दो भी लगा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, और ब्लैंकेट वगैरह है और हीटर है, टीवी है और सब कुछ रखा हुआ। बट मैंने कैटल के बारे में पूछा, इलेक्ट्रिक कैटल, तो इन्होंने कहा सॉरी इलेक्ट्रिक कैटल नहीं है, बट जब आप चाहेंगे, आपको कुछ चाहिए गर्म पानी तो हम आपको दे देंगे, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारा रूम नंबर था 201 हमने लिया है। और एक्चुअली हमने बच्चों से बात की दूसरे रूम के लिए, तो हमने दूसरा रूम भी चेक किया है, वो भी अच्छा है, सेम है। और सबसे पहले हम वॉशरूम चेक कर लेते हैं, तो वॉशरूम में गीज़र लगा हुआ है और वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है, बट थोड़ा सा छोटा है, बट नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है, तो ठीक है। तो हमने दूसरा बेड भी, जो दूसरा रूम था वो भी चेक किया, सेम है, दोनों में स्पेस एक जैसी ही है। तो बच्चों ने कहा ठीक है हम यही रूम लेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम एक्स्ट्रा बेड लगा देंगे लिए आपके लिए दो, तो ठीक है। और फिर अब हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है और शाम के स्नैक्स का टाइम हो चुका है, तो हमने चाय और कुछ स्नैक्स ऑर्डर किया है, जिसे खा के हम लोग जाएंगे। यहाँ पे पास ही 84 टेंपल है, बहुत ही फेमस है भरमौर का 84 टेंपल। और होटल से 200 मीटर की दूरी पर ये नीचे की तरफ जहाँ से हम आए, तो ये एक्चुअली पार्किंग का स्पेस है, बहुत बड़ी पार्किंग कह लो, या फिर ये हेलीपैड है सामने, नीचे होटल के हेलीपैड है, आप हेलीकॉप्टर के थ्रू भी यहाँ आ सकते हैं। तो हम चलेंगे मंदिर की तरफ, पैदल ही जाएंगे। यही है वो रूम जिसके बारे में बात कर रही थी, सेकंड रूम जो है पास में ही है, ये भी बहुत अच्छा है। और अब हम जल्दी से, चाय आ गई है और फ्रेंच फ्राइज और पकोड़े आ गए हैं, तो हम इसे खा के चलते हैं मंदिर की तरफ। और ये देखिए हम पैदल ही जाएंगे, मैंने आपको बताया ये होटल भी काफ़ी हाइट पे है, सामने मेडिकल कॉलेज है, बीच में हेलीपैड है और दूसरी तरफ हिमाचल टूरिज्म का गौरीकुंड होटल है, और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। आप मेरे चैनल पे जाके इससे पहले की वीडियोस देख सकते हैं। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं इसी तरह ट्रैवल वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी 84 टेम्पल के बारे में, 84 टेम्पल बहुत ही फेमस है और मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर से यहाँ से, तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, पहाड़ियों के बीचों बीच 84 टेम्पल है। यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी शांति है, बिल्कुल भीड़ भड़ाके से दूर, बहुत ही सुंदर जगह है।